अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑडिटर्स। तो ये मेरा कॉर्नर है जो आप लोगों ने देखा है। मैंने इसका मतलब जब इसको डेकोरेट किया था वो भी वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अब इसको ना मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। बहुत दिन से ये एक देख देख के मैं बोर हूँ, तो मैंने सोचा इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने मैक्रमे वाले वॉल हैंगिंग लगाए थे, इसको हटा दिया। और इसकी सफाई भी ना मैंने कुछ दिन से नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा कि एक साथ ही इसको पूरा हटाएंगे, फिर ही कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो इसलिए चलिए आज इसको अच्छे से पूरा क्लीन करते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा खाली कर दिया, अब अच्छे से इसको ना साफ़ कर लेंगे, ऐसे सारे गद्दे को निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा डस्ट आ जाता है ना, और इसको ना मुझे ऑल्टरनेटिव रेस पे साफ़ करना ही पड़ता है, तो बहुत गंदा हो जाता है। यहाँ पे मास्किंग टेप का कुछ मार्क था, उसको मैंने सैंड पेपर से थोड़ा रब कर लिया। अब यहाँ पर ना मास्किंग टेप लगा दूँगी साइड पर, ताकि ना मैं पेंट जो करूँ उस पर मैं पेंट करने वाली हूँ। अपना एक एरिया मैं डिवाइड कर ले रही हूँ पेंट करके, कि कहाँ पर मुझे काम करना है, और ऊपर तक ही मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने सेज ग्रीन लिया है। और ना मैं बहुत ज़्यादा ना शुरू में बातें नहीं करती, टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, डायरेक्ट अपने काम पे आती हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ, डायरेक्ट मैं जो वीडियो दिखाने वाली हूँ उस पर काम करना स्टार्ट कर दूँ। तो इस तरह से मैंने ना ब्रश ले लिया। पहले हमेशा पेंट करने के लिए आपको साइड में ब्रश से करना है, फिर बीच में मैंने इस तरह का छोटू सा एक ना रोलर रखा हुआ है। ये बहुत आसानी से इससे पेंट हो जाता है, कहीं पर भी बहुत मतलब हैंडी है ये, आसानी से पेंट बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, तो उसके चलते आप किसी छोटी सी भी जगह पर आसानी से पेंट कर सकते हैं। तो इससे मैंने पूरी वॉल को ना सेज ग्रीन करना है साइड का, और दूसरी साइड वाली वॉल मैं दूसरे कलर की करूँगी। अच्छा, तो इस तरह से मैंने पेंट इसको कर दिया, दूसरी साइड भी मैंने ऐसे मास्किंग टेप लगा दिया है। और इस तरह से मैंने तीन शेड बनाए थे, अब इन तीनों में से मुझे ये लास्ट वन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मैंने बना लिया है। और ना कोई भी आप वॉल पेंट ले लीजिए, मेरे घर में जो भी थोड़े मोड़े वॉल पेंट बचे रहते हैं ना, उसमें मैं एक्रिलिक ही पेंट मिला के और शेड बना लेती हूँ, मुझे जैसा भी चाहिए था। तो मैंने सेम वही किया है, मैंने बाहर से नहीं मंगवाया नया खास करके कि मुझे पेंट करना है, जो बचे हुए थे उसमें ही मैंने एक्रिलिक पेंट मिक्स करके अपना शेड बना लिया जो भी चाहिए, और फिर सिंपल उसको पेंट कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से इधर भी मैंने वही छोटू वाला रोलर यूज़ किया है। ऐसे बड़े भी आते हैं, लेकिन बड़े वाले में ना सीरियसली मेरे पास है वो भी, लेकिन बहुत मिस होता है, बहुत ज़्यादा पेंट नीचे गिरता है, तो मैं यही छोटा वाला यूज़ कर लेती हूँ, आसानी से पेंट हो जाता है इससे। तो पहले साइड में हमेशा आपको ब्रश से करना है, बीच में रोलर से। तो इस तरह से मास्किंग टेप लगाने से ये हुआ ना कि हमारा पेंट बिल्कुल एकदम एक लाइन में हुआ, और पीछे साइड बैक साइड पे पेंट बाहर निकला भी नहीं, टेढ़ी कुबड़ी लाइन भी नहीं हुई, और इस तरह से दोनों साइड पे पेंट कर लिया। अब ना इन दोनों को ना अच्छा सा मतलब कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैंने इस वाले जो ये बीम है इस पर करेंगे वाइट। ठीक है, तभी इसमें अच्छा सा एक कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको अच्छे से खेलना है, तभी जाके वो अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से जैसे मैं ब्रश से कर रही हूँ ना, साइड में पहले एक अपनी लाइन बना लीजिए आप, उसके बाद बीच में रोलर से आप पेंट भर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको वाइट कर लेते हैं, और इस तरह से रोलर से ही मैं इसको भी वाइट कर रही हूँ। एक दो कोट आपको वाइट में देना होगा, इस तरह से मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पर लगाना है शेल्फ, तो शेल्फ भी मैंने, अच्छा एक बात बताना था, सारा कुछ यहाँ पे DIY किया हुआ है मैंने, सारा चीज़ का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में जो जो वीडियो मैंने डाल दिया है उसके लिंक दे दूंगी, जो अभी आने वाले हैं वो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस मिल जाए। तो यहाँ पे मैं नेल ही लगा रही हूँ। ठीक है, आप ड्रिल से भी इसको होल कर सकते हैं, लेकिन ड्रिल वाला काम थोड़ा सा टल रहा था वो, इसीलिए मैंने सोचा कि नेल लगा लेते हैं। तो उस तरह से अब्बा ने नेल यहाँ पर लगा दिया है, और आपको ना बस अच्छी सी एक कोई चाइना काटी आती है उसको लेना है, उससे ना अच्छे से चली जाएगी। लेकिन अगर आप ना कभी नहीं लगा पाते हो तो आप ड्रिल ही कर लो तो वो बेहतर होगा, क्योंकि इसका पेंट भी चिप ऑफ हो जाता है। ठीक है, नेल से। तो इस तरह से मैंने ये वॉल शेल्फ बनाई हुई थी, वॉल हैंगिंग शेल्फ, ये सारा कुछ DIY किया हुआ है कार्डबोर्ड से मैंने और POP से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसका वीडियो भी डाल दिया है, तो आप देख लेना वहाँ से। तो इस तरह से इसको बना लिया। अब इस कर्टन को ना मुझे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, बिल्कुल ऊपर से लगाना है, तब वो लुक आएगा, नहीं तो इससे बहुत अजीब सा कुछ लगेगा। ठीक है, तो चलिए कर्टन मैंने इसे निकाल लिया है, और ऊपर में इसका हुक जो है ऊपर शिफ्ट करवा के चलिए कर्टन लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कर्टन का जो मतलब फैब्रिक लेके इसको बनवाया है। अब यहाँ पे मुझे ना एक बैठने के लिए सीटिंग चाहिए, सीटिंग एरिया, तो उसके लिए मैं एक मैट्रेस लगाऊंगी छोटा सा, तो चलिए मैट्रेस भी लगा लेते हैं। तो कर्टन मैंने क्या किया है, ऑनलाइन नहीं ऑर्डर किया है और ना ही मैंने रेडीमेड ख़रीदा है, मैंने इसको बनवा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कर्टन बहुत प्यारा लग रहा है, अब चलिए इसको लगा लेते हैं। नीचे मैंने मैट्रेस भी लगा दिया है, इसके ऊपर वाइट चादर मैंने बिछा दी है, बेडशीट, और फिर यहाँ पर मेरे पास एक जो राउंड रग थी उसको लगा दिया, और ये जो मैंने रग बनाई हुई थी अभी
रिसेंटली इसको पेंट किया था वो लगा दिया। यहाँ पे मैं वाइट कुशन लगा रही हूँ, ठीक है। नीचे में देखिए आप ना थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिटिंग एरिया बिल्कुल मेरा एकदम सादा सादा सा होगा। मैंने मतलब थोड़े से ब्लैक कलर के यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक दूसरे को इस तरह के शेड्स दिए हैं। साइड में मैं एक प्लांटर रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्रेसिना का मैं प्लांट लगा रही हूँ, इंडोर प्लांट है ये, बहुत ईजी ग्रो होता है। बस आपको वीक टू वीक इसको बाहर ले जाके मतलब धूप दिखा देना होता है। साइड में एक छोटा सा टेबल रखा है, यहाँ साइड में मैं एक लाइट लगा रही हूँ। ब्रांचेस पे मैंने अच्छे से पेंट करके इसको फेरी लाइट को लपेट दिया है। इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ था, अभी बहुत प्यारा ये टेबल है और बहुत अच्छे से स्पेस भी है इसमें, और बिल्कुल मार्बल की तरह इसको मैंने पेंट किया है, ठीक है। साइड में मैंने एक जो वास बनाया हुआ था अभी रिसेंटली वो रख दिया, छोटे मोटे जो मेरे पास और डीआईवाई किए हुए थे वो सारे रख दिए, कुछ कैंडल्स यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ख़रीद के लाना होता है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा ना, तो बहुत कुछ डीआईवाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लांट रख दिया और फिर यहाँ पे मैंने अपने कुछ ना रूम की फोटोग्राफी को अच्छे से ये डीआईवाई करके बना लिया था। इसको मैं साइड साइड पे दो लगा रही हूँ, ठीक है। चार पीस मैंने बनाया था ऑलरेडी, वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने कोटेशन लिख के एक बनाया था अभी रिसेंटली ही, तो इसको मैं लगाऊंगी। मैं मतलब ना मैं सारा चीज़ यहीं पे के लिए बना रही थी, डीआईवाई कर रही थी, और सारा कुछ डीआईवाई है। ये फ्लोर लैम्प भी मैंने डीआईवाई किया हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे अभी ये मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसका एक और डीआईवाई है वो मैं कर दूँगी। ये ड्राई लीफ वाला फ्रेम मैं रख रही हूँ साइड में, ये भी मैंने बहुत पहले एक डीआईवाई किया हुआ था, ये मग, और इसमें मैंने कुछ ड्राई बुशेस डाल दी हैं और कैंडल, और छोटी सी मेरे पास एक लैंटर्न थी उसको रख दिया। छोटा छोटा मेरे पास कुछ कुछ मैं बनाती रहती हूँ, क्ले बचती रहती है, तो वो सारा चीज़। फिर मैंने एक और अगेन इसमें मनी प्लांट पानी में डाल के रखा हुआ है, ठीक है। मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से वेस्ट थे मेरे पास, एक छोटा सा वेस्ट अभी इसको पेंट किया था मैंने, छोटी सी कप और वो, और ये डोनट वेस्ट भी अभी मैंने डीआईवाई किया हुआ है। ये प्लांटर मैंने डीआईवाई किया हुआ है, इसका वीडियो जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जब भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाएगी। ये कुछ एक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था वाटरिंग कैन, यहाँ पे एक मैंने छोटी सी लैंटर्न रख दिया है, मेरे पास बहुत पुरानी थी, कुछ ड्राई बुशेस, छोटी लैंटर्न, मूनलाइट एक मेरे पास थी वो रख दिया, जो जो चीज़ मेरे पास थी वही यहाँ पे एक मैंने डीआईवाई किया था। पर्स, ये सिरेमिक की पर्स है, उसमें मैंने प्लांटर मतलब प्लांट डाल दिए अच्छे से, अंदर प्लास्टिक का वो डिस्पोजेबल ग्लास रखे। और चलिए फाइनल रिवील देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर। Thank you.
लग रहा है ना कितना प्यारा, मतलब वो कॉर्नर मतलब ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं था, वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये तो मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। आप आराम से यहाँ पे बैठ के टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं शाम में किसी भी वक्त, मतलब एक रिलैक्सिंग आपको यहाँ पे लगेगा, बहुत प्यारा बन के रेडी हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि मैं खुद की तारीफ़ खुद से नहीं कर रही हूँ, सारा कुछ मैंने यहाँ पे ना फिर भी DIY किया हुआ है। DIY करने से ना आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करना पड़ा और ये कॉर्नर इतना प्यारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, कुछ पेंट घर में ही जो पड़े हुए थे पुराने पेंट, उनका ही यूज़ करके मैंने वॉल को पेंट कर लिया। जो आप फ्लोटिंग शेल्फ देख रहे हैं वो मैंने DIY किया है, जितने सारे मतलब टेबल मैंने DIY किया है, रग पे मैंने पेंट किया हुआ है, ये प्लांटर मैंने DIY किया हुआ है। ठीक है, सारा कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे DIY किया हुआ है। साइड में मैंने ना सूखी ब्रांचेस जो पड़ी फेंकी रहती हैं इधर उधर वो उठा के मैंने उसको पेंट करके उसमें फेरी लाइट्स लगा दिए, तो इतने प्यारा सा एक फ्लोर लैम्प की तरह हमारा रेडी हो गया। सारा कुछ ऑलमोस्ट DIY किया हुआ है। कर्टन भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड किए, नॉर्मल लोकल मार्केट से मैंने कपड़ा लिया और उसको ही मतलब स्टिच करवा लिया और ये कितना प्यारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, और सारा कुछ बाकी जो भी बचे छोटे मोटे उसको DIY कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर मतलब अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइएगा। और बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत मतलब आप लोगों को लगा हो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ऐसे तो मुझे इसको बनाते बनाते करीब एक महीने से भी ज़्यादा लग गया अब जाके इसका वीडियो आ पाया, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ DIY की पहले, उसके बाद पहले उसका वीडियो अपलोड किया, फिर उसके बाद जाके अब कहीं जाके इसको मैंने अपलोड किया है। तो इसलिए अगर ये आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो, ज़रा सा भी आप लोगों ने इसमें इंजॉय किया हो, तो चैनल को मैं बोलूँगी सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं चाहती तो मैं नॉर्मल हैंगिंग शेल्फ मतलब अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी लेके और उसको लगा सकती थी, कुछ मतलब DIY बिना किए मैं ऐसे इसको डेकोरेट करके दिखा सकती थी, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं और सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर वो अपने घर को सजाना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा आ जाएगा, उतना बजट नहीं है। तो ये बिल्कुल मैंने बजट फ्रेंडली दिया मतलब आप लोगों को आया कि आप लोग कैसे मतलब सारा चीज़ थोड़े थोड़े पैसों को स्पेंड करके बना सकते हैं घर पे और अपने किसी भी एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर ये हेल्पफुल रहा हो तो मैं यही बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से प्रेस करिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें भी नहीं करना है तो हाँ, एटलीस्ट आप एक चीज़ तो ज़रूर करके जाइएगा कि मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा या फिर मैंने में और क्या कमी की या क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अब मैं चलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।